पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस सबसे मजबूत टीम है। एक से बढ़कर एक धुरंधरों के बीच इस टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफी मुश्किल होता है। ज्यादातर खिलाड़ी इस टीम के डगआउट में दिखते हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अर्जुन तेंदुलकर का है। घरेलू क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव न होने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा था। अर्जुन तेंदुलकर को अपने डेब्यू सीजन में प्लेइंग 11 में शायद ही मौका मिले, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो ट्रेंट बोल्ट और जहीर खान से काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद नाम आता है बल्लेबाज सौरभ तिवारी का, जो शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल सौरभ तिवारी ने 7 मैच खेले और 103 रन ही बना सके। इस बार भी सूर्य कुमार यादव, पोलार्ड और पांड्या ब्रदर्स के होते हुए उनका प्लेइंग 11 में जगह बनाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस की विकेट कीपिंग क्विंटन डीकॉक संभालते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ईशान किशन विकेट के पीछे नजर आते हैं। ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज आदित्य तारे का खेलना इस साल मुश्किल दिख रहा है। आदित्य तारे मुंबई इंडियंस के साथ साल 2018 से जुड़े हुए हैं, हालांकि साल 2019-2020 में उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहसिन खान भी साल 2018 से मुंबई इंडियंस के साथ हैं। 22 साल के मोहसिन को अपने डेब्यू मैच के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोल्ट और बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज के होते हुए उनका प्लेइंग 11 में होना बेहद मुश्किल है। दूसरी ओर साल 2020 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने गेंदबाज यदुवीर सिंह चरक भी इस साल बेंच पर पूरा सीजन बिता सकते हैं। मुंबई इंडियंस की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक ही रहेंगे। ऐसे में डीकॉक की गैर मौजूदगी में क्रिस लिन को मौका मिल सकता है। मिडिल ऑर्डर का भार ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव पर होगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और कुणाल पांड्या बल्लेबाजी को संभालेंगे। गेंदबाजी में राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और नेथन कुटनानाइल के साथ जेम्स पैटिसन को भी मौका मिल सकता है। अब देखना होगा कि इस साल इन पांच खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिल पाती है।